नील भट्ट का मोस्ट पॉपुलर शो और कलर्स टीवी का न्यूली लॉन्च शो मेघा बरसे शो में फाइनली आयशा सिंह की एंट्री को लेकर अनुपमा का कैरेक्टर निभाने वाली रूपाली गांगुली ने किया बड़ा खुलासा। क्या नील भट्ट का शो फाइनली होने जा रहा है ऑफ एयर? तो इस वीडियो को कीजिए मैक्सिमम लाइक और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए देख तमाशा टीवी का। दोस्तों, रूपाली गांगुली को कौन नहीं जानता है, टेलीविजन पर राज करने वाली, टेलीविजन पर जिनका शो सालों साल नंबर वन रहा है, तो वो है अनुपमा, वो है रूपाली गांगुली। रूपाली गांगुली की बॉन्डिंग नील भट्ट से हो या फिर आयशा सिंह से बहुत ही अमेजिंग रही है और यही वो बड़ी वजह कि रविवार विद स्टार परिवार में भी एक अलग बॉन्डिंग देखने को मिली थी रूपाली गांगुली की और आयशा सिंह की नील भट्ट की। दरअसल इस समय नील भट्ट जो है उनके मेघा बरसे शो पर खतरा मंडरा रहा है। मेकर्स कभी भी बड़ा फैसला ले सकते हैं शो को ऑफ एयर करने का और इसकी एक बड़ी वजह है कि शो में वो ऑडियंस रिटेंशन नहीं मिल रहा है जो कि मेकर्स एक्सपेक्ट कर रहे थे। अब रूपाली गांगुली जो कि आयशा सिंह की बहुत ही अच्छी दोस्त हैं, उनकी तरफ से हो गया है बड़ा खुलासा। रूपाली ने कहा कि कई बार ऐसा होता है कि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री को लोग बहुत ज़्यादा सराहते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसा कि मेरी केमिस्ट्री अनुज कापड़िया के साथ है, यानी कि गौरव खन्ना के साथ जो केमिस्ट्री को लोगों ने पसंद किया है अनुपमा की, यही वो बड़ी वजह है कि अनुपमा आज इतना बड़ा हिट रहा है। अनुपमा शो ही नहीं, मुझे लगता है कि अगर नील भट्ट और आयशा सिंह की केमिस्ट्री जो कि बहुत ही मज़ेदार थी गो में किसी के प्यार में शो में भी हमने देखा था, सैराट की केमिस्ट्री को आज भी लोग भुला नहीं पाए हैं। रूपाली गांगुली ने कहा कि बहुत सारे शो होते हैं जो स्टोरी लाइन पर चलते हैं और बहुत सारे ऐसे शो होते हैं जो जोड़ियों पे भी चलाए जाते हैं। अगर आयशा सिंह की इस शो में एंट्री होती है तो एक और चांस मिल सकता है नील भट्ट को और उनके शो को ऑफ एयर डेंजर से बचाने के लिए। मुझे लगता है कि आयशा सिंह को अगर ये ऑफर मिलता है तो उन्हें इस शो को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए। आयशा सिंह की एंट्री को लेकर अनुपमा ने साफ कर दिया है कि वो ज़रूर देखना चाहेंगी इन द नियर फ्यूचर नील और आयशा सिंह को एक साथ किसी भी बड़े शो में। आप बताना कमेंट बॉक्स में अनुपमा के इस बयान पे आप क्या कहना चाहोगे। क्या आपको लगता है कि मेघा बरसे शो में अब वो पोटेंशियल नहीं है, शो को ऑफर कर देना चाहिए, या फिर आपको लगता है कि जी हाँ अनुपमा की बात बिल्कुल सही है, आयशा सिंह की एंट्री शो में होनी चाहिए, शो को एक मौका मिलना चाहिए? मैं जानना चाहूँगा आप सभी का ओपिनियन कमेंट बॉक्स में और इसी तरीके की वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।